दोस्तों आप लोगों ने कहा सत्या भाई कभी उड़ीसा आइए, छत्तीसगढ़ आइए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आज तक किसी रेल फैन ने इन सेक्शंस को डिटेल में कवर नहीं किया। तो भाई आ चुके हैं आप ही लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही मज़ेदार सफ़र को तय करते हुए हम लोगों ने डीजल और इलेक्ट्रिक मालगाड़ी के बीच में रेस भी देखी और खूबसूरत जंगलों से होकर के अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे और कई अनोखी चीज़ें हमारे सामने आई जिसने इस जर्नी को और रोमांचक बना दिया। तो आप लोग भी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं नागपुर से, जहाँ से हमने सफ़र की शुरुआत की थी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको एक नए रूट में ले जाना चाहता हूं जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हमारी समता एक्सप्रेस नागपुर में रात 12:50 आती है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है और जो पूरा रूट कवर करके आ रही है भाई भोपाल वाला, जो हमने कई बार कवर किया है। पर आज ट्रेन 2 घंटा रिशेड्यूल है और आधा घंटा एक्स्ट्रा लेट हो चुके, लगभग रात 3 बजे तक नागपुर आएगी। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा अब जब मैं रात 9 बजे पहुंच ही चुका हूँ नागपुर, तो भाई थोड़ा रेस्ट किया जाए क्योंकि रात 3 बजे फिर आना है ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपने होटल, रेस्ट करता हूँ, आपसे मिलूंगा देर रात में जब समता एक्सप्रेस यहाँ पर आएगी, उसका यहाँ पर रिवर्सल होगा। उसके बाद हम लोग गोंदिया दुर्ग रायपुर के रास्ते, चीतलगढ़ के रास्ते पहुँचेंगे विशाखापट्टनम कल। पता नहीं कब पहुँचेंगे, गाड़ी लेट है, लेकिन ये जर्नी आपको सच में बहुत ही एक्साइटिंग लगने वाली है क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट रूट्स में से एक है। तो तैयार हो जाइए, रात के 2 बजे चाय पीने के अलग ही मज़े हैं। अपने पीछे मदुरई हज़रत निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति आज की है और पीछे जस्ट हमारे फूड ट्रैक है कमसम का शोर है, जहाँ से आप खाना पीना सभी कुछ खा सकते हैं। खैर फिलहाल अभी अपने को भूख तो नहीं लगी है, गाड़ी का ही वेट करना है, पर रात का जो इंतज़ार होता है काफ़ी लंबा लगता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी नींद हो जाए जैसे ही, तो जो रात में वेट करने का मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर कल कुछ काम नहीं होता ना, अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करना होता, ओवरनाइट यहीं पे बैठ के जगता, मज़ा बहुत आता है रात के समय में। निज़ामुद्दीन से ट्रेन का सुबह 7 बजे छूटने का टाइम था, पर 2 घंटा रीशेड्यूल हुई थी और उसके बाद ट्रेन मथुरा, राजा की मंडी, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, बीना, भोपाल, इटारसी के रूट से बैतूल मुलतई होते हुए नागपुर अभी पहुंची है। ट्रेन का 12:50 का अराइवल टाइम था और लगभग 3:20 हो रहे हैं, एक्चुअली 12:35 का था, 12:50 डिपार्चर टाइम था और अभी 3:20 हो रहे हैं। हमारी समता एक्सप्रेस ई रोड के WAP4 के साथ नागपुर पहुंच चुकी है। अब ट्रेन का यहां पर रिवर्सल होगा, अभी इस डायरेक्शन से आ रही है, हम लोग इस डायरेक्शन में वापस बढ़ेंगे। हम लोग गोंदिया तुमसर रोड दुर्ग रायपुर के रास्ते तीतलगढ़ निकल जाएंगे और जहां से विजयनगरम के रास्ते शाम तक विशाखापट्टनम पहुँचेंगे। 5 जनरल के कोच हैं टोटल गाड़ी में, जिसमें से D5 D4 इस तरफ, 9 स्लीपर के कोच, फिर 3 टायर एकदम, फिर 2 टायर और स्टार्टिंग में जनरल के कोच आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है फाइनली पहुँच चुकी है। फाइनली ट्रेन में तो हम लोग चढ़ चुके हैं और अंदर सभी लोग सो रहे हैं, पूरे कोच में अंधेरा है। दिन में आपको इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा, साफ़ सफाई का रिव्यू दिन में करेंगे, फिलहाल से जिस डायरेक्शन से आई गाड़ी उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही है और हम लोग फाइनली नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अपने सफ़र को शुरू कर चुके हैं। ये है नागपुर का खूबसूरत केबल ब्रिज और हम लोग गोंदिया वाली लाइन पर बढ़ रहे हैं, तो डायमंड क्रॉसिंग भी पड़ेगी अपने को नागपुर डिपार्चर पे ही, पर वो काफ़ी अंधेरे में पड़ने वाली है।
तो दोस्तों ये है वो रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग जो कि एशिया में सबसे रेयरेस्ट है, मतलब केवल इंडिया की बात नहीं की जाए तो केवल पूरे एशिया में सबसे रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग है ये, नागपुर की डबल डायमंड क्रॉसिंग। फिलहाल सो जाते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मिलूंगा सुबह आप लोगों से कुछ अर्ली मॉर्निंग शॉट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्ग जंक्शन पे, छत्तीसगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट ए ग्रेड रेलवे स्टेशन जिसे 1891 में खोला गया था। इसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी समता एक्सप्रेस पहुंची और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो सो गया था नागपुर के बाद, उसके बाद गोंदिया, राजनंदनगांव, ऐसे दो चार स्टेशन पे अपनी समता एक्सप्रेस रुकी है तो उसके बाद हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्टेशन है अपना ये दुर्ग रेलवे स्टेशन, यहाँ से जो अपनी हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन है ये तो जाती है, साथ में एक दिल्ली राजरा के लिए भी लाइन जाती है जो कि आगे चलकर जगदालपुर में मिल जाती है, और एक लाइन वहाँ से विशाखापट्टनम के लिए भी गई हुई है। चाय नाश्ता यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन बाकी मतलब मुझे कोई खाने वाली चीज़ यहाँ पे देखने को अभी सुबह सुबह नहीं मिली है, तो बाकी इस रूट को हम रिव्यू करते रहेंगे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे ही मेरी नींद खुली ना, पूरा बारिश ही बारिश हो रही थी, तो मज़ा आया। अब हम जर्नी करें सीनिक रूट में और बारिश ना हो। यहाँ 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग चल चुके हैं दुर्ग से, और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ हमारा अराइवल तो वैसे सुबह 5:17 का था, पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 3 घंटे से ऊपर डीले के साथ चल रहे हैं। दुर्ग से कानपुर बेतवा एक्सप्रेस चलती है जिसमें जर्नी करने की मेरी काफ़ी इच्छा है, पता नहीं वो विश कब पूरी होगी और उसका भी वीडियो मैं आप लोग के लिए बना पाऊँगा। वैसे दुर्ग से हम लोग चल चुके हैं और बारिश जो है वो लगातार हो ही रही है। और ये रामायण एक्सप्रेस नॉन एसी वाली, उसके रेक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ आपको एल्को लोकोमोटिव दिख रहा है उस लाइन पे, वही रूट जगदालपुर की ओर निकल जाता है यहाँ से दिल राजरा की ओर होते हुए, और हम लोग दुर्ग से फाइनली निकल चुके हैं। मौसम तो वैसे अच्छा है पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा ही रहे, क्योंकि तीतलगढ़ से जो विशाखापट्टनम वाला रूट है ना वो बहुत सुंदर है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, प्लस रायपुर से तीतलगढ़ भी गजब का है। तो ऐसा ही मौसम रहा तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं, थोड़ा डार्क लुक आ रहा है चीज़ों का, बट लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल बारिश तो जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों यही है वो भिलाई का स्टील प्लांट जिसे 1955 में इंडिया और USSR ने मिल करके स्थापित किया था। भारत में सबसे पहले इस्पात का प्रोडक्शन यानी स्टील का प्रोडक्शन यहीं पे शुरू हुआ था, और आज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलें और प्लेट्स स्टील की बनाई जाती हैं। बहुत ही बड़ा कारखाना है ये, आपको भिलाई से निकलते ही देखने को मिलेगा।
मौर्य एम्पायर के टाइम पे यानी मौर्य साम्राज्य के समय पे दक्षिण कोसला कहे जाने वाले रायपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। रायपुर से हावड़ा लाइन जो है अब हमारी जो हमारा रूट है उससे अलग हो जाएगा। हम लोग बढ़ जाएंगे तीतलगढ़ वाली लाइन की ओर और हावड़ा लाइन यहाँ से हमसे अलग हो जाएगी। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ। अपनी समता एक्सप्रेस का अराइवल सुबह 5:57 AM का था पर हम लोग यहाँ पे अभी 8 बजे के बाद पहुँचे हैं। यहाँ पे 8:55 हो रहा है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 घंटे का डिले शार्प आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकेगी और पीछे समस्तीपुर के लोगों के साथ आ चुकी है हटिया दुर्ग एक्सप्रेस। दुर्ग तो काफ़ी पास है, अभी अपना पिछला स्टेशन ही था और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खाली भी हो गई है। बाकी निज़ामुद्दीन से चली आ रही है अपनी समता एक्सप्रेस। ओवरऑल यहाँ तक का जो सफ़र था यहाँ तक काफ़ी अच्छा रहा है मौसम की वजह से। अब आगे का देखते हैं रूट कैसा रहता है। रायपुर के फूड प्लाजा का हम लोगों ने इडली सांभर ले लिया, इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे भाई इसका स्वाद कैसा है। बाकी इसे फिलहाल अंदर रख देते हैं डिपार्चर पर आपको रूट्स वगैरह दिखाने। यहाँ दूसरी तरफ दुरंतो एक्सप्रेस है जो कि निकल रही है मुंबई से हावड़ा के बीच चलने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। हमारे बाद में आई थी और हमसे पहले निकल गई और हम लोग यहीं खड़े हैं। यहाँ पे पलों के मजे नहीं रहते कि हमने ट्रेन जो रायपुर जंक्शन से खुल चुकी है। यहाँ पे 15 मिनट ठहरी थी दुरंतो को निकालने के बाद हमें निकाला गया। दिखा रहा हूँ आपको हावड़ा लाइन जो हमसे अलग होगी और पीछे अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग हुई नागपुर रायपुर से अलग होने वाली बिलासपुर खड़गपुर टाटानगर हावड़ा लाइन यहाँ पे हमसे अलग होती है। बिलासपुर वाली लाइन यही आगे चल के हावड़ा की ओर जाएगी और हम लोग टाटानगर वाली लाइन की ओर हम यहीं से बढ़ रहे हैं। देखिए रूट जो है वो एकदम साफ साफ अलग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। रिव्यू एंड कंपेयर करने के लिए अपने पास है 2 स्टोर का खाना, एक है फूड प्लाजा का, दूसरा है जैन वालों का। तो देखते हैं भाई किसका खाना टेस्टी होता है। ये है मसाला डोसा, ये इडली, अब सांभर ही अंतर बता पाएगा। गाइस देखने में तो कुछ ऐसी हैं, साफ़ सुथरी इडली वड़ा सब कुछ अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब टेस्ट देखते हैं कैसा है इनका। सबसे पहले टेस्ट किया जाए इडली को, देखते हैं कैसा है स्वाद और उसका जो सांभर चटनी वो मैं आपको बताऊँगा। चटनी में बहुत ही बढ़िया कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, सांभर भी ठीक है। अब मसाला डोसा ट्राई करते हैं। ये मैं इसलिए आप लोग के लिए रिव्यू कर रहा हूँ ताकि जब आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करो तो आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। इडली जो है वो 40 रुपये की पड़ी और मसाला डोसा 50 का। मसाले डोसे की जो चटनी है वो दाल से बनी और कोकोनट थोड़ा कम है उसमें, बाकी सांभर दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम ही है तो इसलिए जज कर पाना मुश्किल है। वैसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ आपको तो इडली ज़्यादा टेस्टी लग रही है सांभर और चटनी। तो जिनको भाई इडली पसंद है ज़रूर प्रेफर करिएगा, सांभर चटनी उसका काफ़ी टेस्टी है जो कि फूड प्लाजा की है। ओवरऑल रिव्यू में दोनों को मैं 10 में 7 और 8 रेटिंग देना चाहूँगा। बाकी आप लोग डिसाइड करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। वैसे रिकमेंडेड है इडली, ट्राई करिएगा और बताइएगा ज़रूर। यहाँ अपनी क्रॉसिंग हो रही है पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस से, पूरी अहमदाबाद वाया विजयनगरम वाली।
दोस्तों यार देखते ही देखते अपनी ट्रेन महासमुंद रेलवे स्टेशन में पहुंच चुकी है और बारिश जो है वो लगातार हमारे साथ ही चल रही है। खैर इस ट्रेन की ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया। खैर यहाँ पे हमें ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है पर आगे वाले स्टेशन्स में आपको बहुत भीड़ देखने को मिलने वाली है। ट्रेन बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशनों में इस तरह रुकती रही। बागबाहरा नाम का भी स्टेशन हमारी यात्रा के दौरान पड़ा और खररिया रोड भी एक स्टेशन था जहाँ से उड़ीसा का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाता है और ज़्यादा यात्री मुझे उड़ीसा में देखने को मिले क्योंकि वहाँ के जो स्टेशन थे वहाँ काफ़ी भीड़ थी। छत्तीसगढ़ में भी खैर यात्री तो थे लेकिन फिलहाल बारिश ने इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ अपनी ट्रेन आ चुकी है अभी खरियार रोड रेलवे स्टेशन और ये अपना उड़ीसा का पहला रेलवे स्टेशन है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पे एंटर कर रही थी एक एसएमएस आया कि वेलकम टू उड़ीसा, तो भाई छत्तीसगढ़ तक का जो सफ़र था वो समाप्त होता है। अब उड़ीसा में जो जर्नी अपनी शुरू होगी, लगातार बारिश हो रही है इसलिए चीज़ें बाहर की दिखा पाना थोड़ा कम पॉसिबल हो पा रहा है। बाकी ट्रेन काफ़ी साफ सुथरी है, अच्छी ट्रेन है, समता एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से निज़ामुद्दीन की, एक बेटर कनेक्टिविटी कह सकते हैं। और एपी एक्सप्रेस जो चलती है ना उससे लाख गुना बेहतर है साफ़ सफाई के मामले में। खैर वो तेज़ है, उसका रूट अलग है विजयवाड़ा के थ्रू है, पर उससे साफ़ सफाई की बात की जाए तो उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा साफ़ है। और एपी एक्सप्रेस को जो कोचेस दिए हैं मतलब उतनी वर्स्ट ट्रेन तो मैंने अभी तक शायद देखी नहीं है कोई भी। अब बारिश लगातार हो रही है। बारिश और ये खूबसूरत मौसम गजब का कॉम्बो है। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई अपनी ट्रेन बहुत खूबसूरत लग रही है, काश आप लोग मेरे साथ सफर कर रहे होते।
यहाँ हमारी ट्रेन दोस्तों पार कर रही है हरिशंकर रोड को, और यहाँ पे वैसे हमारा अराइवल टाइम था सुबह 8:30 बजे का, और यहाँ हम 3 घंटे की देरी से इसे पार कर रहे हैं, पर मौसम थोड़ा खुलता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और सबसे अच्छी बात यह कि उसके बाद आपको जो नज़ारे हैं वो क्लियरली देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे जैसे ये बादल छटेंगे ना और भी सुंदर नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ये रूट बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो चाहता हूँ आप लोग इन नज़ारों का आनंद लें, ट्रैक साउंड का आनंद लें, और एक ट्रेन जर्नी को आप लोग ऐसे ही फील करिए जैसे आप लोग खुद मेरे साथ इस सफ़र में हैं। चलिए इंजॉय करिए। गाइज यहाँ अपनी ट्रेन पहुँची है कांटा बांझी रेलवे स्टेशन। भाई नाम थोड़ा अनोखा है, लेकिन यहाँ तक जो सफ़र था बारिश में था, मौसम खुल चुका है। और एक और चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, ये जो जगह है ये एक हब है, आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से जितने भी किसान वगैरह हैं मंडी में आते हैं चीज़ें जो बेचने के लिए, वो यहीं आते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की और धान की खेती होती है, जो कि रास्ते में आप लोगों ने मेरे साथ देखी होगी। यहाँ वैसे तो हमारा 8:50 का अराइवल था शेड्यूल, पर आज हम लोग 12:05 पर यहाँ पहुँचे हैं। छोटे प्यारे प्यारे पहाड़ भी हैं आसपास, और स्टेशन में भीड़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ के किसी स्टेशन में इतनी भीड़ देखने को मिलेगी। खैर यहाँ हमारा 10 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन को यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो है चितलागढ़, और जहाँ पे संबलपुर से लाइन भी आती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मिलता हूँ आप लोगों से यहाँ जब ट्रेन का डिपार्चर होगा। ये बड़ी सी थाली मिली, इतना सारा चावल यहाँ पे 50 रुपए का कांटा बांझी में। पता नहीं, देखते हैं स्वाद कैसा है, मैंने ले तो लिया, अंदर क्या है वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भी काफ़ी बड़ा है कांटा बांझी रेलवे स्टेशन, और यहाँ कोचेज में पानी भरा जा रहा है क्योंकि कई कोचेज में पानी ख़त्म हो चुका था आज। यहाँ अपनी ट्रेन कांटा बांझी से निकल रही है, और ये देखिए मील्स में इतने सारे चावल हैं कि भाई अकेले मैं तो ख़त्म कर ही नहीं सकता इसको। बहुत सारे चावल हैं, साथ में दाल और ये सब्जी है, कोई चीज़ दी गई है, देखना पड़ेगा टेस्ट कैसा। तो दोस्तों कुछ ऐसी सब्जी यहाँ पे दी गई है, और ये कढ़ी या दाल जैसा कुछ दिया, और चावल बहुत सारे हैं, पता नहीं टेस्ट कैसा है, जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं, आलू की सब्जी में मूली भी पड़ी है। लग रहा है जैसे चूल्हे में बनी हो, और दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है, फिर एक साथ रिव्यू करता हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो कढ़ी लग रही मुझे वैसे टेस्ट में, बस स्वाद अच्छा है, मतलब घरेलू स्वाद है, और मेरे जैसे 5 आदमी से खा सकते हैं वो भी बड़े मज़े से, क्वांटिटी इतनी सफिशेंट है कि मतलब 5 आदमी भर का आराम से इसमें ही हो जाएगा। और ओवरऑल जो बताऊँ मैं आपको कि लग रहा है जैसे घरेलू टेस्ट हो, चूल्हे में पका हुआ खाना लग रहा है। ओवरऑल इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, चूल्हे का खाना मुझे भी काफ़ी पसंद है, और एकदम चूल्हे का बना हुआ खाना लग रहा है, स्वाद बढ़िया है काफ़ी। अगर आप लोग आ रहे हैं रिकमेंडेड है, और मैं तो कहता हूँ 3 आदमी इसी में खा लोगे आराम से, देख के लेना भाई कितना क्वांटिटी की ज़रूरत है।
ये लाइन आ रही है संबलपुर से और हम लोग अभी तितलागढ़ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। ये जो लाइन सामने से आप जाती देख रहे हैं ये संबलपुर से आ रही है और हम लोग रायपुर वाली लाइन से बढ़ते हुए तितलागढ़ पहुंच रहे हैं। ये है तितलागढ़ शहर और मैं आप लोगों को बता दूं ये अपने सी फूड के लिए फेमस है। जितना भी नॉनवेज खाना जो भाई आप लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये जन्नत जैसी जगह है। यहाँ पे नॉनवेज खाना काफ़ी टेस्टी मिलता है ऐसा मैंने सुना है। आप भाई अगर आप लोग यहाँ से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर क्या चीज़ यहाँ की फेमस है और कहाँ की फेमस है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स लोग जब यहाँ पहुँचें तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत ना हो और आपका जो शहर है उसका और उत्थान हो सके। अपना जो अराइवल टाइम है यहाँ सुबह 10 बजे का था और यहाँ हम लोग लगभग 12:50 पे पहुँच रहे हैं। तितलागढ़ नाम काफ़ी प्यारा है ऐसे तितलियों का शहर। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे मतलब समता एक्सप्रेस इस रूट की काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन में से है लग रहा है। काफ़ी भीड़ का इंतजार कर इसको बोर्ड करने का। दोस्तों तितलागढ़ को जंक्शन क्यों कहते हैं तो आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में अराइवल में मैंने आपको संबलपुर वाली लाइन दिखाई। बाकी ओवरऑल इस रूट की मुझे लगता है आज की एकमात्र गाड़ी रही होगी जो विशाखापट्टनम जा रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मतलब इतनी भीड़ यहाँ पे देखी। साथ साथ दूसरी तरफ खड़ी थी विशाखापट्टनम रायपुर स्पेशल एक्सप्रेस जो कि समय से निकल चुकी है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे देखिए भीड़ ही भीड़ है स्टेशन में तितलागढ़ में। खाने पीने के लिए समोसा विद चटनी आपको वड़ा सांभर ऐसी चीज़ें स्टेशन में मिल रही हैं। खाने पीने की आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हाँ बहुत ही शांत रेलवे स्टेशन लग रहा है। अगर बात की जाए पेड़ पौधों की तो मतलब हरियाली है आसपास और अगर यहाँ पे थोड़े समय के लिए कोई गाड़ी ना आए तो चैन से बैठने में जो मज़ा आएगा ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। ऐसी ही जर्नीज मुझे पसंद है जहाँ पे ट्रेन इन सभी इलाकों को एक्सप्लोर कराते हुए हम लोग को हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाए। स्टॉपेजेस भी हों त्रिवेंद्रम राजधानी जैसे नहीं कि 6-6 घंटे रुकी नहीं रही हम लोग कुछ ना खरीद पा रहे ना खा पा रहे ना ढंग से चीज़ें इंजॉय कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं डिपार्चर। तो दोस्तों फिलहाल इस जर्नी में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि हम इस रूट को इसलिए जो आने वाला पार्ट है इस वीडियो का उसमें आप लोग तीतलगढ़ से पूरा विशाखापट्टनम तक का सफ़र देखेंगे जो कि पूरा डिटेल में होने वाला है जिसमें आपको रायगढ़ का रूट गोस ट्रेन की पैरेलल रेस और साथ में खूबसूरत नज़ारे ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें हम लोग पहुँचेंगे विजयनगरम सीमाचलम और साथ में विशाखापट्टनम में हमारी जर्नी कितने बजे एंड होती है सभी चीज़ें आप उस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलूंगा आप लोगों से जल्द ही इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ट्रेन जर्नीज को जी भर के इंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।